नमस्कार हिंदी विषय से संबंधित तीसरे भाग में हम कुछ विशेष विषयों को लेकर आए हैं। वे विशेष विषय ये है, इस साल की प्रश्न पत्रिका सैद्धांतिक आधारित है। सैद्धांतिक आधारित होने के कारण पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों के अलावा पाठों के अंतर्गत आने वाले प्रश्न 33% होते हैं। इसलिए इसे ध्यान में रखकर इस भाग में हम विशेष रूप से भावार्थ 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए, अनुवाद इन सबको और इसके अलावा पद्यों के सारांश इन सबको आसान से समझाने का प्रयास किया गया है। जो छात्र इन्हें समझकर आराम से परीक्षा में 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, आसान से उत्तर लिख सकते हैं। इसे ध्यान में रखिए और इसे ध्यान से सुनिए। इसमें और एक बात ध्यान देने की बात है, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इस भाग में वे प्रश्न पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों में नहीं है। ये पाठों को पढ़कर हम खुद समझकर उन प्रश्नों को निकालने का प्रयास किया गया है इन्हें, इसलिए आपके सामने इन्हें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस दिन 5वां मुख्य प्रश्न के अंतर्गत भावार्थ लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी पाठ से पूछ सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने तुलसी के दोहे इस पाठ के 5 दोहे हैं। इन 5 दोहों को ध्यान में रखकर 5 दोहों के भावार्थ लिखना कैसे, इसका उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। बच्चों आइए देखिए समझिए। दोस्तों इस वीडियो का विवरण इस प्रकार है, देखिए। विषय हिंदी पद्य, पाठ की संख्या 7, शीर्षक तुलसी के दोहे, पांच यूनिकोड, वीडियो का विषय दोहों के भावार्थ। दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है, पद्य तुलसी दोहे, कवि गोस्वामी तुलसीदास। भावार्थ, कवि कहता है कि मुखिया मुख के समान रहना चाहिए, मुंह जिस तरह काना पानी लेकर सभी अंगों का पालन पोषण करता है, इसी तरह मुखिया उसका काम स्वयं करे, उसका लाभ सबको मिले। दूसरा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की नहा करता, संत अंस गुण गही पया परिहरी वारी विकार। पद्य तुलसी दोहे, कवि गोस्वामी तुलसीदास। भावार्थ, कवि कहता है कि सृष्टिकर्ता ने इस विश्व को जड़ चेतना और गुण दोष मिलाकर बनाया है। संत लोग गुण दोष मिश्रित इस जगत में अंश की तरह गुणों को अपनाकर दोषों को पानी की तरह छोड़ देते हैं। आगे दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छांडिए, जब लग गट में प्राण। पद्य तुलसी दोहे, कवि गोस्वामी तुलसीदास। भावार, कवि कहता है कि यदि दया धर्म का मूल है तो पाप अहंकार का मूल है। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक दया को नहीं छोड़ना चाहिए। आगे, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य रत,
राम भरोसो एक। पद्य तुलसी दोय, कवि गोस्वामी तुलसीदास। भावार्थ, कवि कहता है कि जो कष्ट में पड़ता है उसके साथी विद्या, विनय और विवेक है। जो राम पर भरोसा रखता है वो साहसी, सत्यरति और सुकृतवान बनता है। दोहा, राम नाम मनि दीप धरो, जीहा देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाई रो, जो चाहसी उजियार। पद्य तुलसी दोहे, कवि गोस्वामी तुलसीदास। भावार्थ, कवि कहता है कि जिस तरह ये कोने की देहरी पर दिए रखने से भीतर और बाहर के आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक शुद्धि होती है। राम नाम मणि दीप के समान है। अब तक तुलसी दोहे से संबंधित दोहों के भावार्थ कहने का प्रयास किया गया है, इसे अपनाइए। परीक्षा में 3 अंक का इस वीडियो का विराम देता हूं। धन्यवाद। पद्य मातृभूमि, कवि भगवती चरण वर्मा का सारांश इस प्रकार है। कवि मातृभूमि को गांधी, बुद्ध और राम जैसे अमरों की जननी होने के नाते शत शत बार प्रणाम करता है। हरे भरे खेत और फल फूल युक्त वन उपवन मनोहर है। विविध खनिज रूपी संपत्ति तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से बांटने वाली तुमको शत शत भार प्रणाम है। तुम्हारे दोनों हाथ न्यायपताका और ज्ञानदीप से सुशोभित है। तुम सबको समान दृष्टि से देखने वाली है। अतः तुमसे करोड़ों भारतवासियों का अनुरोध है, जग का रूप बदलाई, उससे सकल नगर और ग्रामों में जय इंद का नाद गूंज उठे। अंत में कवि इन सारी बातों को कहकर मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करना चाहते हैं। अभिनव मनुष्य, इस कविता का कवि रामधारी सिंह दिनकर। इस पद्य के सार इस तरह है। कवि के अनुसार आज की दुनिया नई सी और अजीब है। मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। पानी, बिजली और बाप सभी तत्व अब मनुष्य के हाथों में हैं। उसी के हुक्म पर हवा का तापमान उतरता और चढ़ता है। प्रकृति का कोई रहस्य ऐसा नहीं है जिससे उसे बाधा महसूस हो। आज का मनुष्य नदी, पहाड़, समुद्र सभी को एक समान पार कर सकता है। यही मनुष्य है जो प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है। ज्ञान विज्ञान का प्रकाश सारे जग में फैलाया। आकाश से पाताल तक सब कुछ इसे पता है, परंतु वह मानवता को ही पहचान पाया। उसने आपसी भाईचारे को नहीं समझा। कवि के अनुसार वही सच्चा मनुष्य है जो बुद्धि से सोचना छोड़ देता है और हृदय को जीतता है। वही मनुष्य श्रेष्ठ है जिसकी सभी मनुष्यों से प्रेम है। जो मनुष्य आपस की दूरी मिटाकर स्नेह का संबंध बनाता है वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है। वही मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी है। समय की पहचान, इस कविता का कवि श्री सियाराम शरण गुप्त। इस पद्य का सार इस तरह है। समय बहुत अनमोल है, उसका महत्व धन से भी ज्यादा है। इस कविता द्वारा कवि ने छात्रों को समय से अवगत कराने का प्रयास किया है। समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। काम के लिए प्राप्त समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। काम करने वाले समय
निकल ही लेते हैं। काम करने वाले समय निकल ही लेते हैं। आज तक समय बर्बाद कर कोई सुखी नहीं हो पाया है। बहाने तो सिर्फ आलसी लोग बनाते हैं। कल का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए आज का काम अभी करना चाहिए। चाहे चक्रवर्ती ही क्यों ना हो, खोया हुआ समय वापस नहीं आता। इसकी समता को कोई खरीद नहीं सकता, फिर भी मनुष्य इसकी चिंता नहीं करता। समय ईश्वर का वरदान है। अब जो घड़ी है वही शुभ है। पल पल मिलकर हमारा जीवन बना है, इसलिए मन को हमें जो काम करना है उसी में लगाना चाहिए। संदेह को दूर कर आत्मविश्वास के साथ रहो, क्योंकि ऐसा समय खो देंगे तो पछताना पड़ेगा। सूर श्याम, कवि सूरदास। इस कविता में या इस पद में कवि सूरदास ने बालकृष्ण के भोलेपन और यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक चित्रण किया है। भाई बलराम के प्रति कृष्ण की शिकायत का मोहक वर्णन किया है। वह अपनी माँ यशोदा से कहता है कि भाई मुझे सताता है, कहता है कि मुझे यशोदा ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है, इसीलिए गुस्से के साथ मैं खेलने नहीं जाऊंगा। मुझसे पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यशोदा और नंद तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर काला क्यों है? उसकी मजाक से सभी ग्वाल मित्र चुटकी बजाकर हंसते हैं। माँ, तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है, लेकिन भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। कृष्ण के क्रोधित मुख देख और बातें सुनकर यशोदा मुस्कुराती है। कृष्ण को शांत करती हुई कहती है कि कृष्ण सुनो, बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। मुख्य प्रश्न के अंतर्गत 80 अंकों में से 27 अंकों के लिए इस स्वरूप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें 34% अंक पाने वाले प्रश्न आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने 2-3 पाठ से, प्रमुख पाठों से ऐसे प्रश्नों का उदाहरण यहाँ पर उत्तर के साथ प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार अन्य पाठों का भी अभ्यास करने से अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायक होगा। तो आइए उन प्रश्नों के उत्तर उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें। तीन चार वाक्यों में उत्तर अपेक्षित करने वाले प्रश्न, पाठ के अंतर्गत से आने वाले संभवनीय प्रश्न। सबसे पहले गिल्लू पाठ से हम ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा कर सकते हैं, जैसे गिल्लू की समाधि सोनजुही लता के नीचे क्यों बनाई गई है? इसका सही उत्तर होगा, सोनजुही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। दूसरा प्रश्न गिल्लू पाठ से ही, लेखिका ने काकभुशुंडी को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, लेखिका ने काकभुशुंडी को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित है। हमारे पुरखे पितृ पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होते हैं। हमारे दूरस्थ प्रियजनों के आने का संदेश भी
इनके कर्कश स्वर में ही मिलता है। दूसरी ओर इसके कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर तीसरा प्रश्न गिल्लू पाठ से ऐसे हो सकता है, लेखिका के सभी पशु पक्षियों में गिल्लू अपवाद था, क्यों? उत्तर होगा, लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, उनका लेखिका से लगाव भी कम नहीं था, परंतु गिल्लू उनमें अपवाद था, क्योंकि जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उनकी थाली में बैठ जाना चाहता था, लेकिन ये हिम्मत अन्य पशु पक्षियों में नहीं थी। प्यारे बच्चों, मेरा बचपन पाठ के संबंधित कुछ नए प्रश्नों को आइए यहां पर देखेंगे। मेरा बचपन पाठ में दर्शाया हुआ धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन कीजिए। उत्तर, अब्दुल कलाम जी का पुश्तैनी घर मस्जिद वाली गली में मुस्लिम बहुल इलाके में था, लेकिन वहां कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन अभिन्न मित्र थे। अक्सर आध्यात्मिक मामलों पर वे चर्चा करते रहते थे। बचपन में अब्दुल कलाम के तीन पक्के दोस्त थे, रमानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाश। यह तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर कभी किसी भी बच्चे में आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न, किस घटना ने अब्दुल कलाम को हतप्रभ कर दिया? उत्तर, अब्दुल कलाम के पिता और स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन रामेश्वरम के समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सितकाराई के कुछ लोग और नावें बह गए। उसी में पामबन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक अब्दुल कलाम ने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने अब्दुल कलाम को हतप्रभ कर दिया। तीसरा प्रश्न, जैनुलाब्दीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे, कैसे? उत्तर, जैनुलाब्दीन एक आडंबरहीन व्यक्ति थे। वे सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। आओ बच्चों, अब हम रोबोट पाठ के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करें। पहला है, रोबोट में निहित मानवीय गुणों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा, जब रोबोनील को पता चलता है कि उसके कारण साधोराम की छुट्टी होने वाली है तो बहुत चिंतित हो जाता है। साधोराम के पेट पर लात मारना रोबोटिकी के नियम के विरुद्ध है, इसलिए किसी तरह रोबोदीप के साथ मिलकर संघ के अध्यक्ष की सहायता से सक्सेना पर दबाव डालकर साधोराम को उसकी नौकरी लौटाता है। दूसरा प्रश्न है, सक्सेना परिवार रोबोनील पाकर क्यों कुश्ता? इसका उत्तर होगा, सक्सेना परिवार में रोबोनील सुबह का नाश्ता कराता था, मेहमानों के स्वागत में दरवाजा खोलता था, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाता था, बच्चों को होमवर्क करने में मदद करता था, वर्ड प्रोसेसर पर सक्सेना का काम संभालता था।
और सक्सेना परिवार के पालतू कुत्ते शेरू को घुमाने का काम भी तत्परता से करता था। तीसरा प्रश्न है, रोबोनील और रोबोदीप ने रोबोजीत को क्या समझाने की कोशिश की? इसका उत्तर है, रोबोनील और रोबोदीप ने रोबोजीत को समझाने की कोशिश की। आइजक आसिमो के रोबोटिकी नियम के अनुसार कोई रोबोट किसी इंसान के नुकसान का कारण ना बने। मानवीय नजरिए से गलत है कि हमारे कारण किसी भी इंसान की नौकरी को खतरा पहुंचे। ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ से हम ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा भी कर सकते हैं, जैसे लेखक क्या हिसाब लगाकर सम्मेलन में गए? उत्तर होगा, लेखक ये हिसाब लगाकर सम्मेलन में गए कि वे दूसरे दर्जे में सफर करेंगे और पहले दर्जे का किराया लेंगे, इस तरह वे 150 रुपये बचा लेंगे। दूसरा एक और प्रश्न, लेखक ने अपने कमरे का ताला क्यों नहीं लगाया? उत्तर होगा, लेखक के कमरे में उनके दो ईमानदार साथी भी ठहरने आ गए थे। लेखक ने सोचा, अगर कमरे का ताला लगाया जाएगा तो उन्हें तकलीफ होगी। यही सोचकर लेखक ने कमरे का ताला नहीं लगाया। अब मैं 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत 3 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद अनुवाद के लिए दिया जाता है। उसका अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में करना है। मैं कन्नड़ में अनुवाद करना इसका उदाहरणों के द्वारा समझाने की प्रयास कर रही हूँ। रचना पाठ में पहले एक मुख्य प्रश्न के रूप में अनुवाद दिया जाता था, अब 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत 3 पंक्तियों का एक छोटा अनुच्छेद दिया जाता है। वह कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सरल वाक्यों में रहता है। उदाहरण के लिए हम ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ से देखेंगे। देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फुट दूर। अब चप्पलें चोरी नहीं होती। इसका अनुवाद है, नोडि ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು 10 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಗ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠಸೆ ದೇಖೆಂಗೆ ತೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೋಲಿ ಜಾತಿ ಹೇ ಇಸ್ಕಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾಹಿ ನಹಿ ಬಲ್ಕಿ ಬಡೆ ಬಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಧಂದೋಂ ಕಾಬಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೇ ಇಸ್ಕಾ ಅನುವಾದ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ. ಅಬ್ ಹಮ್ ತೀಸರ ಉದಾಹರಣ ದೇಖೆಂಗೆ. ದುನಿಯಾ ಮೇ ಪಹಲಾ ಮಕನ್ ಪಾಠ ಸೆ ಅನುವಾದ ಹೇ उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंदू लालिमा और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। इसका अनुवाद है, आ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂದ್ರೂ ಲಾಲಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿಂಚಾ ಲಾಲಿದಾಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಬ್ ಹಮ್ ರೋಬೋಟ್ ಪಾಠ ಸೆ ದೇಖೆಂಗೆ ತೋ ಸಾಧೋ ರಾಮ್ ಕೆ
अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का यह दुख नहीं देखा गया। तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने कोई फैसला किया। इसका अनुवाद है, ಸಾಧೋರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಧೀರಜ್ ಸಕ್ಸೇನಾರಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರ ದುಃಖ ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಪ್ ಪಾಂಚವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೆ ಕಾಮಕಾಜ್ ಕಾ ವಿವರಣ ಅಭಿಲೇಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಆದಿ ಕೋ यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। इसका अनुवाद है, ई गवर्नेंस मूलक ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಸನ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಬಹುದು. अब तक तीनों भागों में हमने प्रश्न पत्रिका को आधार रखकर दो भागों में पाठों का विश्लेषण किया गया है. तीसरे भाग में सैद्धांतिक आधार पर विविध प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया गया है. इन तीनों भागों को जो छात्र देखते हैं, समझते हैं, वे परीक्षा में कुछ हद तक अच्छे अंक पा सकते हैं. हम सबकी आशा है सभी छात्र इन तीनों भाग के विषयों को ध्यान से सुनकर, देखकर, समझकर अपनी संकलनात्मक परीक्षा दो में सफल हो जाए, ऐसे हम आशा करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं. सबको शुभ.